नमस्कार दोस्तों, आपका बायोपीडिया पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जाने माने अडल्ट एक्ट्रेस मोनिक अलेक्जेंडर के बारे में। मोनी अलेक्जेंडर का जन्म 1982 में अमेरिका में हुआ। ये पोर्नोग्राफी एक्ट्रेस के साथ साथ न्यूड्स मॉडल और एक सेक्स एजुकेशन लेक्चरर भी है। एज अ सेक्स एजुकेशन लेक्चरर इन्होंने येल यूनिवर्सिटी में भी इस टॉपिक को छेड़ा है और काफ़ी लोगों को प्रेरित किया है। ये बस लेक्चरर या मॉडल ना होके एक फिल्म अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। इन्होंने बहुत सारे मेनस्ट्रीम फिल्म भी करी हैं, जैसे स्पाइडर्स वेब और एंट्रोज। इन्होंने अपने अडल्ट करियर की शुरुआत एज अ स्ट्रिपर करी थी जब वो 18 साल की थी, क्योंकि इनकी दिन की रिसेप्शनिस्ट वाली कमाई से इनका खर्चा चल नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते इन्होंने अडल्ट मूवीज़ में काम करना शुरू कर दिया 2001 में ही, और उसी साल सिन सिटी करके एक अडल्ट प्रोडक्शन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया। उसके बाद से ये नहीं रुकी और बहुत सारी मूवीज़ जो कि आज भी मौजूद हैं उसमें काम किया। हालांकि शुरुआत में अलेक्जेंडर ने लेस्बियन वाले अडल्ट फिल्म किए, पर कुछ सालों में ही बॉय गर्ल मूवीज़ में भी काम किया जो कि 2005 में रिलीज़ हुआ। अगर हम बात करें उनके अचीवमेंट की तो उन्होंने कावी अवार्ड जीते हैं, जिसमें से उनका 2002 का एवियन अवार्ड सबसे ऊपर है। इनकी सालाना कमाई 2 मिलियन से भी ज़्यादा है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।